हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना ज्वेलरी नेकलेस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ही ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसका कलर जो है और जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। फ्लावर है और स्टोन है, डायमंड की तरह चमकता है ये, बहुत खूबसूरत है। इसको मैं ली थी 1500 में, अपर बाज़ार रांची के अपर बाज़ार से होलसेल रेट पे मैं इसको 1500 में ली थी। ऐसे अगर आप ख़रीदने जाओ तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है, और इतना खूबसूरत ज्वेलरी सेट तो शायद ही 1500 में कहीं मिलेगा। इसको मैं अपनी शादी के टाइम में ली थी। वैसे शादी में पहनने के लिए मैं कोई और ज्वेलरी ली थी, लेकिन शादी के और फंक्शन होते हैं तो उसमें पहनने के लिए मैं इसको ली थी। और इसको मैं अभी तक 2 या 3 बार पहन चुकी हूँ, शादी में और एक बार छठ में। उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला पहनने के लिए, तो ये मेरे पास रखा हुआ है। और सोची कि आज मैं इसका वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, देख सकते हैं। इसका ये मांग टीका बहुत छोटा था फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो मांग टीका है वो मैं अलग से ली हूँ। ये अलग से मुझे 160 रुपये का मांग टीका पड़ा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं और भी विस्तार से बताऊँगी इस वीडियो के बारे में। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा गला का, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इसकी जो लंबाई है, ये देखिए ये लंबाई, यहाँ फ्लावर्स बने हुए हैं। इसका एक भी मोती अभी तक मैं देख चुकी हूँ कि एक भी नग नहीं निकला हुआ, स्टोन नहीं निकला हुआ है, और बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ भी फ्लावर बने हुए, इतने लंबे से डिज़ाइन है। उसके बाद नीचे भी बहुत बड़ा फ्लावर है, मतलब ऊपर छोटे छोटे फ्लावर दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे, और नीचे में बड़े फ्लावर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक गले में सटा हुआ नेकलेस है, बहुत खूबसूरत है। इसका इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे एक छोटा फ्लावर्स है, और नीचे में यहाँ जिस तरह से यहाँ बड़े बड़े फ्लावर्स दिए हुए हैं, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, जो कि 3 हैं, जिसको और भी ज़्यादा बड़े और लॉन्ग इयररिंग्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी मैं बहुत सारी पिक अपलोड कर दूंगी, इसमें साथ में आपको दिखा दूंगी लास्ट में। मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, और देखिए इसका ये वैसे तो मैं अलग से ली हूँ, फिर भी मैं इसके साथ मैच करा दी, सेम टू सेम। तो ये भी सेम वैसे ही सिल्वर कलर का है, और देखिए यहाँ पर भी कुछ फ्लावर टाइप से दिए हुए हैं, और इसका इतना लंबाई है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी साड़ी के साथ मैं आपको पहनकर अभी करंट में दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे इस टाइप की साड़ी ली हूँ, और ये जो साड़ी है वो मैं वाराणसी से ली हूँ, और इस साड़ी का प्राइस है शायद 1800 या 1900 पड़ा था ये साड़ी, और बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये प्लेन है, पूरा प्लेन है, और यहाँ ऊपर में ये पतली सी बॉर्डर है, और साथ ही साथ इतनी चौड़ी नीचे है, इसका पल्लू भी इतना है, और बहुत ही खूबसूरत है। इसका ज्वेलरी मेन फोकस किया जाए कि ज्वेलरी कैसा है, तो ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत है। आपको मैं पहन कर दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको इस साड़ी के साथ पहन कर दिखा रही हूँ कि अगर आप साड़ी पहन रहे हैं या फिर ससुराल में है या ऐसे भी इस ज्वेलरी को पहनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये ज्वेलरी। और ये ऐसा कलर है कि हर ड्रेस के साथ मैच करेगा। अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, और कोई मतलब अच्छा सा ड्रेस पहनते हैं, तो उसके साथ भी, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, तो सबके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लुक मिलेगा। और मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि मेरा ये ज्वेलरी कैसा है। जब मैं इसको ख़रीदने गई थी, इसको मैं ख़रीदने नहीं गई थी, मैं गई थी अपनी शादी की ब्राइडल ज्वेलरी लेने, लेकिन ये मुझे पसंद आ गई, और मैंने इसको बोला कि इसको अभी साइड में रखिए, मैं अभी वो ख़रीद लूँगी, उसके बाद इसको लूँगी, मन करेगा तो, वैसे तो पसंद है ही। तभी एक और लड़की आ गई, और उसने भी पसंद किया, और आते आते और उसको पहना भी दिया दुकानदार कि ये पहन कर देखिए। वैसे ही होलसेल रेट पर मैंने ली है, बहुत सारी थी वहाँ पे ज्वेलरी, बहुत सारी थी, और ये बहुत ही यूनिक पीस थी। उसने बताया कि बहुत यूनिक है, आप पहनोगे बहुत अच्छा लगेगा, और सबसे भीड़ से अलग हट के आपका ये ज्वेलरी लगेगा, दुकानदार ने भी बोला। और सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, और जब वो पहनी, दूसरा को मैं जब पहनते हुए देखी, तो मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। लग रहा है कि अगर वो ले ली तो मेरा क्या होगा, मेरे तो जान अटक गई थी कि मैं इसको ले ही लूँगी। और वो लड़की पहन के फिर उसके बाद उसको पसंद आया, उसको रख दी, बोली कि मैं तब तक और देख ले रही हूँ, अगर नहीं पसंद आया तो लास्ट में मैं ये लूँगी। और मैं दूर से देख रही थी, उसके बाद जैसे ही उसने ज्वेलरी रखा, वैसे ही मैं जल्दी से ये वाली ज्वेलरी अपने पास रख ली, और बोली कि मैं इसको ख़रीदने वाली हूँ, और रख ली मैं।
फिर उसके बाद दी नहीं, और मैं ये मेरा हो गया, मैंने 1500 से दिए और ये ज्वेलरी मेरी हो गई। इसमें बस मांग टीका जो है वो बहुत छोटा था, तो इसको मैं अलग से मांग टीका ली हूँ और इसके साथ मैच करा दी, तो ये एक पूरा सा सेट हो गया, यानी कि गले का हार, कान का बड़ी सी और मांग टीका। और देखिए अगर आप इसको पहनते हैं, मैं यहाँ पहन रही हूँ, अगर कोई दुल्हन पहनती है तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर जैसे कि सिर पे पल्लू लेती है, घूंघट लेती है तो भी अच्छा लगेगा। और जो लोग घूंघट में रहते हैं थोड़ा बहुत आगे आँचल करके, तो उन लोगों पर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं हर हर लुक में आपको दिखा दे रही हूँ कितना खूबसूरत लुक मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो।